हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। तो आज की जो वीडियो है वो आप सबकी बहुत डिमांडेड वीडियो है कि आप ना आप अगर आपके जो सिस्टर इन लॉज है उनको अच्छा नहीं लगता आना, तो एटलीस्ट आप शेयर तो कर सकते हो कि उनके घर जा रहे हो, क्या करते हो, या वो उनके घर, वो आपके घर आती हैं। तो मैंने ये सोचा है कि ठीक है, उन्हें अच्छा नहीं लगता आना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं शेयर सारी चीज़ें करूँगी। तो आज हम जा रहे हैं, मेरी जो बीच वाली दीदी है, हाँ, उनको अच्छा नहीं लगता व्लॉग्स में आना, घर में आना तो अच्छा लगता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जा रही हूँ अपनी बीच वाली दीदी के यहाँ, क्योंकि उनके दोनों बच्चे जो हैं वो ट्विन्स हैं और आज उनका बर्थडे है। तो तनु मन्नू, पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे आप दोनों को ही। और कोई बात नहीं, फैन चल रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे हमारी परी तैयार हो रही है, मम्मी परी को तैयार कर रही है, तो इसको थोड़ा सा ना फैन चाहिए होता है। तो मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ। ये जो ब्यूटीफुल सा कुर्ता देख रहे हैं ना आप, ये मुझे मेरी छोटी वाली दीदी ने छठियार पे कुहू के दिया था और मैंने आप सभी को दिखाया था कि मैं एक बार ट्राई करूँगी और जाऊँगी कभी तो वहीं पे उन्हीं के फंक्शन में पहन के जाऊँगी, लेकिन उनका तो नहीं हो पाया। बीच वाली दीदी के यहाँ मैं जा रही हूँ ये डाल के, जो मुझे इतना सुंदर लग रहा है ना, इतना कम्फर्टेबल है, ढीला ढाला सा है, मतलब अभी इस टाइम पे टाइट फिटिंग कपड़े पहनने का मन नहीं कर रहा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलर है तो ऐसा है ना कि जो कुहू है उसको कुछ भी इधर उधर चमकीला सब कुछ चुभता है, तो ये प्लेन है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैंने ये टीम अप किया है विद दिस। ये मेरे पास ऑलरेडी थी, पैंट थी पिंक कलर की, तो बहुत सुंदर लग रहा है और मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। मेरे साथ, मुझे साथ देने के लिए झाजी ने यहाँ पे ग्रीन टी शर्ट पहनी है, खुद समझ रहे हैं आप, खुद पहना है इन्होंने। आइए झाजी बताइए, इस तरफ आते हैं। हाँ जी बताइए, आपने खुद डाला है ना ये, ताकि मेरे से थोड़ा सा मैचिंग हो पाए, क्योंकि इनके पास पिंक कुछ भी नहीं था। तो जाजी भी तैयार हो चुके हैं, शूज डाल रहे हैं और अब मुझे ना जल्दी से कुहू को ले लेना चाहिए। तो होता क्या है, बच्चे होते हैं साथ में तो आपको ना खुद से ज़्यादा बैग तैयार करना होता है, लेकिन मैं खुद भी बहुत अच्छे से रेडी हो गई हूँ क्योंकि मम्मी तैयार कर रही है कुहू को। तो यहाँ पे हमारी कुहू बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कुहू को हमने इसके जो फर्स्ट मंथ पे जो फ्रॉक पहनाई थी वही पहनाया है, और मैं बताऊँ इसकी हेल्थ ना बहुत डाउन हो गई है। फर्स्ट मंथ पे इसको ये फ्रॉक इतनी फिट आ रही थी और अभी ढीली आ रही है, तो आप सर प्लीज़ प्रे करिए कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि इसको कफ एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया है। और मम्मी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि पापा जी का आना हो सकता है, तो मम्मी यहीं रुकेंगी, और शायद हाँ पापा जी आएंगे ही तो मम्मी यहाँ पे रुक रही हैं। और मिटन्स वो डार्क वाले पहना दे, डार्क पिंक पहना देते हैं। इसको हेयर बैंड लगा दो, सब कुछ लगा दो, टॉवल ले लेती हूँ मैं, ठीक है। कर रही हूँ इसका बैग रेडी, लाइट पिंक एकदम प्लेन वाला, ठीक है। मिटन्स मैंने यहाँ रखे थे, इसमें सारे मिटन सॉक्स रखा हुआ है, छोटी सी बच्ची है, देखिए हेयर बैंड लगाने के बाद इसको पता चल जाता है। हाँ, हेयर बैंड लगाने के बाद ये कुछ एक्स्ट्रा ही रोने लगती है। अच्छा, नहीं, यहाँ पे इसमें तो क्यों 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 लगती है, ये वाले क्यों 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 लगोगे आप? मम्मी ये कह रहे हो ना, ठीक है, ये ठीक। तो यहाँ ना मैं इसका जल्दी से बैग रेडी कर लेती हूँ, दूध वूध पानी वानी रख के, पानी तो खैर वहाँ गर्म पानी हो ही जाएगा, दूध का पाउडर रख लेती हूँ, ठीक जैसा भी। हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे झाजी बैठ चुके हैं, झाजी वो दिखाइए जो तनु मनु के लिए हमने गिफ्ट लिया है। बैग नहीं दिखाना, अंदर भी दिखाना है कि हम क्या लेके जा रहे हैं। तो फ्लीस लिया है झाजी ने, चूज किया था, और मैंने भी, मुझे मेरा मन था कि मैं तनु के लिए एक वन पीस लूं, लेकिन मैं वो कभी और गिफ्ट कर दूंगी तनु को। क्यों झाजी ऊपर देखिए, अभी तो ठंड आ रही है, तो अभी तो ये काम आएगा, दोनों पहन लेंगे। तो ये हम डी कैथलॉन से लेके आए, आप सभी जानते ही होंगे ये दोनों, और आप गेस करके बताना कि कौन सा हमने तनु के लिए लिया और कौन सा मनु के लिए लिया। वैसे कोई ये भी तैयार, ये भी रेडी, रेडी हो गई है। हाँ चलिए ठीक है, ओके। और सोना आते ही बुआ के यहाँ सो गई है, सबसे मिली, हाय हेलो किया इसने और फिर सो गए। जी आपने कौन सा सॉन्ग गाया? लोरी गाई है। हाय
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। तो आज की खुशी नहीं है, आज हम बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारी शोनपरी का वैक्सीनेशन हो रहा है और लग रहा है कि वो रोएगी। और कहते हैं ना कि एक दो दिन तो फीवर वीवर आ जाता है। इसकी मम्मी भी नहीं जा रही। हाँ, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं देख सकती इसको ऐसे सुई लगते हुए। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था जब हॉस्पिटल में, मेरे को तो गुस्सा आ गया था जो सुई लगा रहा था कि कैसे क्रूल है ये सब, स्किन के अंदर घुसा घुसा के लगा रहे हैं। और ये रो वो अलग होता है, वो ऐसे टाकते हैं ना, पहला वाला जो होता है। कोई नहीं बेटा, वो उनका काम है। चलिए मम्मी आगे शो करेंगी आप सभी को। मम्मी जा रही हैं तो दोनों फोन में अपना वीडियो बनाएंगे मम्मी। और शोनी मोनी हमारी तैयार हो चुकी है। सुंदर सी फ्रॉक पहनाई है हमने, लेकिन इसके नीचे पैंट जरूर पहना दिया है क्योंकि है ठंड इसके लिए। हाँ, इसके लिए तो मौसम ठंडा हो गया है ना। चलिए फिर चलते हैं। अपनी आशा से जा, मैंने तेरा टीका चढ़ाया नहीं, नहीं चढ़ेगा। मैम पेंटाविलियम वन है ना, बिना लगाए तुझे भेज देती तब सही रहता। नहीं बाबू, नहीं नहीं नहीं, तेरा दिन है बात कर रही हूं। नहीं बाबू, नहीं नहीं नहीं, बात नहीं समझ रहे। हो गया हो गया हो गया। और यहां पर लग गए हैं हमारी सोनपरी को टीका। और थोड़ी देर तो ये इतना रोई ना, उसके बाद फिर सो ही रही है। चुन चुन परी, यहाँ पर बुआ की मम्मा चुन परी थोड़ा सा रोई थी, उसके बाद चुप। उसके बाद एक ये जैसे 6 अगस्त की है ना, एक 11 अगस्त का लड़का था, वो पतला दुबला सा था, वो उसको भी ऐसी लगा थोड़ा सा कि बच्चे लोग तो वो हो जाते हैं ना, भूल जाते हैं सेकंड में ही, दोनों में पैर में हाथ में, तो तीन लगता है ना बेटा, इधर वाले में है मेरी तरफ। हाँ